झारखंड के गिरिडीह में बने समेत शिखर जी को लेकर विवाद गहरा गया है। जन समाज समेत शिखर जी के एक हिस्से को वन्यजीव अभयारण्य घोषित किए जाने पर गैर धार्मिक गतिविधियों के लिए सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के विरोध में सड़कों पर उतर आया है। जैन समाज समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल बनाए जाने का विरोध कर रहा है। जैन समाज समेत शिखर जी को बचाने और इसे संरक्षित करने की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पहुंचा। हालांकि खबर फिलहाल इस तरह से भी सामने आ रही है कि इस समेत शिखर को पर्यटन की सूची से हटाया गया है। झारखंड सरकार के तुगलकी फरमान पर जो पर्यटन क्षेत्र घोषित किया है उस पर हमारा रोष है, पूरी जैन समाज का रोष है। आज संतों के आह्वान पर समस्त जैन समाज, पूरी भारतवर्ष की जैन समाज ने भारत बंद रखने का संकल्प किया है। इसमें अपने अपने प्रतिष्ठान, दफ्तर एवं जो बच्चे स्कूल भी जाते हैं उन्होंने अपनी स्कूल की लीव एप्लीकेशन पर भी यही लिखा है। कारण कि समेत शिखर प्रकरण जो पर्यटन क्षेत्र घोषित किया है झारखंड सरकार में, उसके विरोध में हमारे स्कूल भी नहीं जाएंगे, हम अपने प्रतिष्ठानों को भी बंद रखेंगे। आज पूरे सफल भारत बंद का आयोजन हुआ है जैन समाज के द्वारा, और इस आयोजन से, इस बंद से झारखंड सरकार को झुकना पड़ेगा, केंद्र सरकार को भी अपना फैसला वापस लेना पड़ेगा। जैन समाज के आस्था का प्रमुख केंद्र समवेत शिखर को पर्यटन स्थल झारखंड सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया है। इसके विरोध में पूरे देश भर का जैन समाज सड़कों पर उतरा हुआ नजर आ रहा है। देश भर में लगातार देशव्यापी आंदोलन जैन समाज द्वारा किया जा रहा है। इस समय ताज नगरी आगरा के मैं छिपी टोला पर हूँ, जो कि जैन समाज का प्रमुख केंद्र माना जाता है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे पीछे यहाँ पर उन्होंने उनके साथ सभी प्रतिष्ठान बंद है, उन्होंने लगा रखा है, महाबंद का आंदोलन कर रखा है। और एक शांतिपूर्ण तरीके से आपको दिखाना चाहूंगा, पूरे सभी प्रतिष्ठान जैन समाज के यहाँ पर बंद है, पूरा बाजार उन्होंने बंद कर रखा है। और जैन समाज का कहना है कि अगर इसको तीर्थ स्थल नहीं घोषित किया गया तो सड़क से लेकर संसद तक का वह सफर तय करेंगे। अपने सहयोगी मनोज कुमार के साथ कुशाल जैन, अनादि टीवी, आगरा।